अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है नॉन लॉजिक रिप्रेजेंटेशंस। है ये भी किसका, हमारा रिप्रेजेंटेशन का ही टॉपिक है, लेकिन ये नॉन लॉजिक रिप्रेजेंटेशन है। यानी इसका मतलब क्या है कि उसमें जो लॉजिकल जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे थे, इसमें हम लॉजिकल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। यानी जिसके ऊपर हमारे बूलियन ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे। ये नॉन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी हमने फर्दर जो जब मैंने इनकी डिफरेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स बताई थी ना, तो वहाँ पे कुछ मैंने सब डोमेन्स आपको भी बताई थी। तो जो नॉन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें फर्स्ट पे जो हमारे पास आता है वो है प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको हम प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और सेकंड पे हम आता है हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क, और इसके आगे दो सब टाइप्स हैं, जिसमें हम एक को कहते हैं कंसेप्चुअल ग्राफ्स और एक हम कहते हैं फ्रेम्स। ठीक है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से हम नॉन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने प्रेडिकेट लॉजिक को कहा था कि इसमें कुछ ज़्यादा हमें ये फैसिलिटेट करती है एज कम्पेयर टू प्रोपोजिशन लॉजिक, तो इसीलिए फिर हम प्रेडिकेट लॉजिक पे मूव हुए। इसी तरह इन सम केसेस हमें जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस नजर आती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस यानी कुछ हमें वो फ्रीडम नहीं देती इन सम केसेस। ठीक है, और उन केसेस में हम उसके साथ वर्क तो कर सकते हैं, लेकिन उस पे वर्क करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसका काउंटर क्या है कि जो रिसर्चर्स हैं एआई से रिलेटेड, वो डे बाय डे जो है वो ऐसे मेथड या मैकेनिज्म ढूंढते हैं जिनके साथ नॉलेज को रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान हो। ठीक है, तो इसीलिए फिर हमें कुछ नॉन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक भी मिलती हैं, वो भी हम स्टडी करते हैं अपनी जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए कि उन टेक्निक्स के साथ हम नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जो नॉन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, इसमें हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन डिटेल में जाने से पहले इसको पहले आप समझ लें कि प्रोडक्शन सिस्टम है क्या। ठीक है, तो मैंने इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन उसको हाईलाइट किया है, तो उसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ, बाकी जो है वो जस्ट थ्योरी है उसे आप देख लें। अ प्रोडक्शन इज अ रूल, फर्स्ट पे क्या है, जो प्रोडक्शन जिसको हम नाम दे रहे हैं वो एक रूल है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिचुएशन रिकग्निशन पार्ट एंड एन एक्शन पार्ट। यानी इसको आप ऐसे समझ लें कि आप एज अ ह्यूमन किसी सिचुएशन में हैं, तो आपने डिसीजन लेना है, तो आप डिसीजन कैसे लेते हैं, आपके पास एक प्रॉब्लम डोमेन होती है, आप उसको प्रॉब्लम डोमेन कह रहे होते हैं, या आप उसको कह लें कि उसमें आप सिनारियो को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और दूसरा फिर दूसरे फेज में आप क्या करते हैं उसका सोल्यूशन देते हैं। जो प्रोडक्शन है इसमें इसको क्या कहते हैं, ये एक्चुअल में एक रूल है। ठीक है, जिसमें जो एक सिचुएशन पे कंसिस्ट कर रहा था, उस सिचुएशन में से उसमें एक उसका सिचुएशन रिकग्निशन पार्ट होता है कि करंटली आप किस सिचुएशन में हैं, और दूसरा कि उस सिचुएशन में आपने एक्शन कैसे लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एज ए ह्यूमन एक एक बॉय है जिसको स्विम करना नहीं आता। ठीक है, और वो एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है, तो वो स्विमिंग पूल में उसका गिरना जो है वो है सिचुएशन रिकग्निशन, यानी वो उसकी सिचुएशन है। ठीक है, अब उस सिचुएशन से निकलने के लिए उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसको आप कह सकते हैं एक्शन पार्ट, और ये दोनों मिलके क्या होता है, ये एक रूल बनता है प्रोडक्शन सिस्टम में। ठीक है, तो फिर जो प्रोडक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं, अ प्रोडक्शन इज अ सिचुएशन एक्शन, यानी इसमें दो पार्ट है, एक सिचुएशन है एक एक्शन है। ठीक है, इन पेयर में। ठीक है, इन विच द लेफ्ट साइड इज लिस्ट ऑफ थिंग्स टू वॉच फॉर एंड द राइट साइड इज लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू सो। यानी जो लेफ्ट साइड पे इसकी जो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे इसकी चीजें हैं वो वाली चीजें हैं जिनको हम वॉच करते हैं, जिनको हमने देखना है, और राइट साइड पे वो चीजें हैं जिनको हमने क्या करना है, जो हमने परफॉर्म करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आई थिंक आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो इसलिए मैं पहले आपको ना इसकी प्रोडक्शन रूल की एक एग्जाम्पल शो करवाता हूँ,
फिर मैं वापस इसी स्लाइड पे आऊंगा, इसको यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल शो करने के लिए मैं आपको इस स्लाइड पे लेके आया हूँ। इसमें इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन रूल एक फॉर्म करता बनता है, ठीक है। और इतना जो इसका पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड है या फिर ये सिचुएशन है, और जो इस साइड पे है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्शन है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इफ यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, यानी आप किसी कंडीशन में हैं तो देन उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेना है, वो भी एक्चुअल में एक्शन भी एक कंडीशन ही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इफ यू हैव एन एग्जाम टूमोरो, अब ये एक सिचुएशन है, इफ यू हैव एग्जाम टूमोरो ये एक सिचुएशन है, तो उसके अगेंस्ट आपने एक्शन क्या लेना है, देन स्टडी द होल नाइट, तो ये क्या है, ये एक एक्शन है। तो इसको एज अ होल अगर हम कंबाइन कर दें तो इसमें एक लेफ्ट साइड वाला पोर्शन बनता है और एक हमारा राइट साइड वाला पोर्शन बनता है, और एज अ होल हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये एक प्रोडक्शन रूल है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल शो करवाई। अब इस एग्जाम्पल को जेन में रखें और मैं दोबारा वापस उसी स्लाइड पे जा रहा हूँ जहां से मैंने इसको एलेबोरेट करना स्टार्ट किया था प्रोडक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे था मैं, तो अब इस डेफिनेशन को आप देखें जरा कि अ प्रोडक्शन इज अ रूल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिचुएशन, रिकग्निशन पार्ट एंड एक्शन पार्ट, ठीक है। अ प्रोडक्शन इज सिचुएशन एक्शन पेयर, ठीक है, इन विच लेफ्ट साइड इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू वॉच, टू वॉच का मतलब है जिनको हम देखते हैं और उसकी बेस पर हम एक्शन लेते हैं, एंड द राइट साइड इज लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू सो, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन हो गई है। अब जो हम इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम के, उनको देख लेते हैं कि एक प्रोडक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो आपके पास इसका कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं कि अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ये जो मैंने प्रोडक्शन रूल्स आपको डिफाइन किया उनका एक सेट होता है। तो प्रोडक्शन सिस्टम एज अ होल है, उसमें जो सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, जिनको भी मैंने डिफाइन किया, जिसमें क्या हमने कहा कि ईच रूल कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कंस्टिट्यूएंट दैट रिप्रेजेंट द करंट प्रॉब्लम स्टेट, जिसमें हमारी प्रॉब्लम डिफाइन होती है, एंड अ राइट हैंड साइड दैट रिप्रेजेंट्स एन आउटपुट स्टेट। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है प्रोडक्शन सिस्टम का वो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हैं, और जो दूसरा हमारे पास इसका कंपोनेंट है वो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या है, विच कंटेन ऑल द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, यानी वो डेटाबेस जिसमें किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड वो अवेलेबल है, ठीक है। और इस डेटाबेस में कुछ इसके जो पार्ट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी वो चेंजेबल नहीं होते, लेकिन कुछ इसके पार्ट्स जो हैं उनका वेरिएबल भी कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो करंट सिचुएशन के ऊपर या उसकी बेस पे वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। दो पार्ट इसके ये हो गए, एक सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल का और दूसरा डेटाबेस का, ठीक है। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है कंट्रोल स्ट्रेटजी। जो थर्ड पार्ट है इसका वो है कंट्रोल स्ट्रेटजी दैट स्पेसिफाइज ऑर्डर इन विच द रूल्स विल बी कंपेयर टू द डेटाबेस ऑफ रूल्स, यानी के ये कंट्रोल स्ट्रेटजी में अब डेटाबेस के अंदर किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके डेटाबेस के उस पोर्शन में जाना जहां पे वो वाला प्रॉब्लम डिफाइंड है, वो सारा प्रोसेस परफॉर्म करने का जो जो मेथड है वो कंट्रोल स्ट्रेटजी कहलाता है, कि उसने डेटाबेस के किस पोर्शन में जाके उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, ये किसने करना है, ये कंट्रोल स्ट्रेटजी ने उसको गाइड करना है, ठीक है। और जो फोर्थ और एंड वाला इसका कंपोनेंट है हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम का, उसको कहते हैं अ रूल अप्लायर, ठीक है। अब रूल अप्लायर ने क्या करना है, विच चेक्स द कैपेबिलिटी ऑफ रूल बाय मैचिंग द कंटेंट स्टेट विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रूल एंड फाइंड अप्रोप्रिएट रूल फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ रूल, यानी कि रूल अप्लायर ने अब क्या करना है, रूल अप्लाई करना है
उसने एनालाइज करना है कि जो लेफ्ट साइड पे उसकी सिचुएशन है, जो लेफ्ट साइड पे उसकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है, उस रूल को डेटाबेस से सिलेक्ट करके उसने उसको अप्लाई कर देना, इसको कहते हैं अ रूल अप्लायर, ठीक है। इसकी एक कंसाइज सी जो है वो मैंने एग्जांपल एक और ऐड की हुई है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आप क्या करें कि इसके कंपोनेंट्स जो मैंने चार बताए हैं उनको माइंड में रखें। एक हमने कहा कि इसमें क्या है, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स है, दूसरा मैंने कहा कि इसमें एक डेटाबेस है, थर्ड मैंने कहा कि इसमें एक कंट्रोल स्ट्रेटजी है जिसने देखना है कि रूल्स को उनके किस ऑर्डर में अप्लाई करना है, और फोर्थ मैंने बताया कि इसमें एक रूल अप्लायर है जिसने उस सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंगली जो एक्शन है वो परफॉर्म कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें प्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे दूसरी थी हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक और जो हमने प्रेडिकेट लॉजिक की बात की थी, तो उसमें जिस तरह से लैंग्वेज थी इसी तरह प्रोडक्शन सिस्टम भी क्या है, एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की, ये बाजे निशिन कर लें। प्रोडक्शन सिस्टम प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज इन विच द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज इज वेरी नेचुरल। अब एक्सपर्ट का मैंने आपको एक्सपर्ट सिस्टम की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि कोई भी जो डोमेन का एक्सपर्ट बंदा है उसके नॉलेज को मशीन में ट्रांसफर करना, तो इसमें यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये वाली जो लैंग्वेज है इसको यूज करते हुए हम जो एक्सपर्ट्स का नॉलेज है उसको बहुत नेचुरल वे से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वही वाली एग्जाम्पल जो मैंने पहले आपको एलैबोरेट की कि इफ कंडीशन देन कंडीशन, इफ यू हैव एन एग्जाम टुमारो देन स्टडी द होल नाइट, तो ये प्रोडक्शन रूल की एक एग्जाम्पल है। थोड़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने मैं आपको थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। इसमें एक साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिचुएशन है और राइट साइड पे उसका एक्शन है। जैसे फर्स्ट पे सिचुएशन है इफ एट बस स्टॉप एंड बस अराइव्स देन एक्शन क्या उसने परफॉर्म करना है, गेट ऑन द बस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो एक्शन है वो है इफ ऑन बस, यानी अगर वो बस पे है, इफ ऑन बस ऑलरेडी एंड नॉट पेड एंड हैव एटीएम कार्ड देन उसने क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना। एक्शन क्या, पे विद एटीएम एंड एड पेड, यानी वो पेड की इंफॉर्मेशन अपने पास एड कर ले, ठीक है। थर्ड जो इसका रूल है वो है इफ ऑन बस एंड पेड एंड एम्प्टी सीट, यानी अगर वो बस पे है उसने फेयर भी दे दिया और कोई सीट एम्प्टी है तो देन उसने एक्शन क्या परफॉर्म करना है, सिट डाउन, ठीक है। कंडीशन एंड एक्शन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ये वाला हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम की मैंने एक और रियल लाइफ एग्जांपल दी कि अगर एक सिनेरियो है जिसमें एक बस स्टैंड का सिनेरियो है तो इस सिनेरियो में उसने एक्शन कैसे परफॉर्म करना है, वो नॉलेज को हमने यूजिंग प्रोडक्शन रूल्स अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसकी ये एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों को दी।